गाइस इस समय मैं हूँ गोवा में, और गोवा इतना अट्रैक्टिव प्लेस क्यों है, क्यों टूरिस्ट यहाँ पर देश विदेश से आते हैं, ये तो यहाँ पे आते ही आपको पता चल पाएगा। हाय गाइस, तो मैं हूँ शोएब आलम और आप देख रहे हैं ट्रैवल गाइड मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गोवा रीजनेबल अमाउंट में या चीपेस्ट अपना ट्रिप कैसे बना सकते हैं। मैं अभी गोवा आया हूं और मैंने यहां का ट्रांसपोर्ट, यहां का होटल्स और यहां के क्लब्स और जो भी यहां की प्लेसेस हैं घूमने की, वो सब कवर की हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है इस ट्रिप के साथ, वो मैं आपको शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में गोवा घूम सकें। गोवा आने के लिए आप ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप फ्लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम ट्रैवल में लगाना है, जैसे ट्रेन यहाँ पे आने में 25 से 30 घंटे का टाइम लेती है, जो आपको 3000 रुपये या 2500 रुपये एसी कंपार्टमेंट के साथ मिल जाता है। अगर बात करें राउंड ट्रिप की, तो आप 3000 रुपये एसी में रिटर्न टिकट दिल्ली से गोवा का बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम अपना कंज्यूम करना है या आप जल्दी आना चाहते हैं, तो आप फ्लाइट की भी टिकट कर सकते हैं। फ़्लाइट अगर आप 2 महीने या 1.5 महीना पहले कर लेते हो, तो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये तक की टिकट रिटर्न मिल जाती है। अब यहाँ पे घूमने का और होटल्स का आपको ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, और अभी ये जिस प्रॉपर्टी में मैं हूँ, जिस प्रॉपर्टी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये भी एक रीज़नेबल अमाउंट की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ आपको 2200 के समथिंग पर डे पे होटल मिल जाता है, और इसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। अगर आपको डिनर या बात करूँ लंच की, तो वो आप आउटसाइड भी कर सकते हैं। जो प्राइस फूड का दिल्ली के या और स्टेटों के अंदर है, सेम वही अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। वेज, नॉन वेज और हर तरीके का फूड मार्केट में अवेलेबल है। बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो आपका घूमना और पिकअप एंड ड्रॉप किस तरीके से आप कर सकते हैं। गोवा के अंदर एक एप्लीकेशन चलती है गोवा माइल्स, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हो कि ओला, ऊबर और मुंबई में भी यही सब है। ओला और ऊबर से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है गोवा माइल्स के नाम से, आप गोवा माइल्स को डाउनलोड करें, और सेम जैसे आप ओला या ऊबर को ऑपरेट करते हैं कि पिकअप पॉइंट्स क्या है, ड्रॉप पॉइंट्स क्या है और कितने अमाउंट में है और कार की कैटेगरी, वो सब उसमें आपको मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में आपको टैक्सी मिल जाती है, अगर एयरपोर्ट से आप किसी भी होटल्स में आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से और यहाँ तक कि काफ़ी डिस्टेंस होती है, बागा बीच, कैलंगट बीच, कैंडलम बीच, 45 मिनट या 1 घंटे के समथिंग आपको पिकअप एंड ड्रॉप, जो आपका पिकअप होता है वो 1 आवर के अंदर कम से कम आप कैंडलम बीच या जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप पहुँचते हो। तो मैंने जो देखा वहाँ पर, मुझे रेट शो हो रहा था कि 900 रुपये आपका पिकअप और 945 समथिंग मेरा ड्रॉप में लगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ के घूमने और साइट सीन की, तो उसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक यहाँ पर गोवा टूरिज़्म बोर्ड की बस चलती है, जो शेयरिंग बेसिस पे होती है। इसमें केवल आपको पे करना है 300 रुपीज़ में वो आपको नॉर्थ गोवा के जो भी साइट सीन हैं, कैलंगट, बागा, वैगटर, अंजना बीच, ये सब आपको कराएगा। और नेक्स्ट डे भी आप 300 का उसमें बुकिंग कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट डे आपको ले जाएगा साउथ गोवा की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो सब आपको विजिट कराता है और आपको लास्ट में ड्रॉप कर देता है। अगर आप पर्सनली अट्रैक्शंस पे जाना चाहते हैं या आप पर्सनल अपनी कार हायर करके घूमना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। लगभग आपको 2800 से 3000 रुपये नॉर्थ गोवा साइट सीन के और 3500 रुपीज़ आपको साउथ गोवा साइट सीन के देने पड़ सकते हैं। बात करें फूड की, तो फूड यहाँ पे नॉर्मल है, आप आउटसाइड भी खा सकते हैं और होटल्स में थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ सकता है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप आउटसाइड फूड का इंजॉय करें, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेज, नॉन वेज सभी फूड आपको
अवेलेबल मिलेगा। यहाँ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो जेटीज की जो समुद्र के अंदर होती हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो सब अवेलेबल हैं, वो बीचेस पे ही आपको मिल जाती हैं। अगर बीच साइड पे आप जाके बुकिंग करते हो तो आपको चीपेस्ट पड़ता है, या आप किसी ट्रैवल एजेंट से अगर आते हो तो वहाँ पे आपको रेट का नहीं पता चल पाएगा कि किस एक्टिविटी का क्या रेट है या वो आपसे कितना मार्जिन ले रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो बीच साइड बुकिंग करने में तो आप करा सकते हो, नहीं तो आप किसी ट्रैवल एजेंट की मदद से भी कर सकते हो। लगभग 1200 रुपये का यहाँ पर मैंने देखा एक पैकेज है जो आपको बोट में ले जाते हैं और वहाँ पर आपको डॉल्फिन व्यू होता है, स्नॉर्कलिंग और स्क्यूबा, ये चार एक्टिविटी आपकी इसमें इंक्लूड रहती हैं। फूड भी दोपहर का उसमें इंक्लूड रहता है और प्लस सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ गोवा के क्लब्स की तो यहाँ पे जो है एंट्री फीस मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा है। किसी में 2000 रुपये कपल एंट्री है और सिंगल के लिए 3000, और जो अच्छे क्लब हैं यहाँ के उसमें एंट्री फ्री नहीं है। जैसे कि मैंने थाईलैंड में बहुत सारे क्लब्स के अंदर एंट्री ली, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मुझे एंट्री मिली, और जो भी आप अंदर खाते हैं तो उसका आप बस बिल पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा, यहाँ पर पहले एंट्री और देन आप जो उसमें केवल ड्रिंक ही फ्री होती है, जो एंट्री करते हो बाकी कुछ फ्री नहीं होता। गोवा के अंदर अगर आपको किसी शेयरिंग बेसिस कार से या पर्सनल कार से साइट सीन नहीं करने हैं तो आप जो है यहाँ स्कूटी ले सकते हो। कोई स्कूटी आपको 300 से 500 पर डे बेसिस पे मिल जाती है। यहाँ पर उसकी स्कूटी के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना है, केवल आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ये होना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा चीपेस्ट पड़ जाता है, और स्कूटी लेने से पहले आप उसकी वीडियो बनाने की कोई स्क्रैच या कोई टूटा फूटा या कहीं से ऐसा डैमेज ना हो जो बाद में आपको उसका पे करना पड़े, पहले ही वीडियो बना लें और उसको दिखा दें कि ये वीडियो मैंने बना ली है और इसी कंडीशन में मैं आपको लौटाऊंगा। तो यही थाईलैंड में भी सेम मैंने रूल फॉलो किया। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा आपको बोलेंगे जब आप इसको रिटर्न करते हो कि आपने ये तोड़ दिया है, ये स्क्रेच है, तो बेटर है कि उसकी वीडियो बना लें और बाद में उसी वीडियो को दिखा दें कि ये मैंने नहीं किया है या मैंने जिस तरीके से स्कूटी ली थी सेम आपको दे दी है। तो मैंने जो यहाँ पे आने के लिए फ़्लाइट का यूज़ किया, मैंने एयर एशिया फ़्लाइट का यूज़ किया जो मुझे 3500 में मिली और जाने में मेरी 2800 की स्पाइस जेट थी। यह बुकिंग मैंने 2 महीने पहले कर ली थी और मुझे बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में मिली। ट्रेन का जो फेयर है, अगर आप फ़्लाइट के फेयर को 2 महीना पहले कर लेते हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ओनली 2000 and 2500 के समथिंग ही डिफरेंस। तो सबसे बेस्ट गोवा आने का क्या आप सोर्सेज है कि आप पंजिम एयरपोर्ट पे ही स्कूटी ले लें और पूरा गोवा घूमने के बाद आप पंजिम एयरपोर्ट पे स्कूटी देने के बाद आप इजीली जा सकते हो। तो ये स्कूटी आप देख सकते हैं मैंने अभी हायर की है 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। अगर आप और भी ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो नॉर्मल जो यहाँ का रेट है वो 300 है, कुछ जगह पर आपको 400, कुछ जगह पर आपको 500 भी पे करना पड़ सकता है। तो सबसे ईजिली आप स्कूटी लें और गोवा घूमें। एक ही रूट पर सारी चीज़ें हैं और एक ही रूट पर बीच हैं सारी, कैलंगट, बागा और भी सारे जितने सारे यहाँ के घूमने की टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं सब एक ही रूट पर हैं। तो आप ये स्कूटी हायर करें और पूरे ट्रैवल को आप स्कूटी से कर लें। तो गाइस यहाँ पे आपको इस स्कूटी के लिए कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस नहीं देनी है, जस्ट अपना जितने दिन के लिए भी आप स्कूटी ले रहे हो उतना अमाउंट आपको देना है और आपका आधार कार्ड वो आपको इन्हें देना है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट या कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है। और आप कोई भी स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। 300 पर डे के हिसाब से मैंने 3 दिन के लिए स्कूटी ली थी और 900 रुपीज़ इसके लिए मैंने पे किया है। और जब आप जाएंगे तो आप अपनी आईडी ले करके इन्हें स्कूटी हैंडओवर कर दें। इसे लेने से पहले आप इसकी वीडियो बना लें, कोई भी स्क्रैचेस या स्प्रे ना हो, और जैसे ही आप उन्हें देते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये स्क्रैचेस ऑलरेडी था यहाँ पे, तो इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। बात करूँ अगर यहाँ के कसिनो की तो आप कसिनो में किस तरीके से घूम सकते हैं। अगर आप सैटरडे एंट्री करते हो तो 2000 पर पर्सन की एंट्री होती है, अगर आप सैटरडे छोड़ के किसी और डेज के अंदर एंट्री करते हो तो आपको 1500 पर पर्सन की एंट्री पे करनी पड़ती है। इसके अंदर आपको मिलता है बुफे जिसमें आप अनलिमिटेड कुछ भी खा सकते हो, एक डांस शो होता है और आपको मिलते हैं 1000 रुपीज़ के कूपन जिसमें आप कोई भी गेम खेल सकते हैं।
तो बहुत सारे यहाँ पे कसिनो हैं, डेल्टन रॉयल है, डैडी विद डैडी कसिनो है और मैजिस्टिक प्राइड है, तो वहाँ पे भी जाकर बुकिंग करा सकते हैं या किसी भी ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं। इस समय मैं ले रहा हूँ पूल का मज़ा और स्विमिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बात करूँ इस होटल प्रॉपर्टी की तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो होनी चाहिए इस अमाउंट में मेरे को सूटेबल लगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ईजिली एक्सेस कर सकते हो, मेन रोड पर है, पीछे 400 मीटर डिस्टेंस पे ही इस पे कैंडलम बीच है और इसके आगे कैलंगा डबागा ये सारी बीचेस अवेलेबल हैं केवल 1 और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अगर बात करूँ यहाँ पे मैं एमिनिटीज़ की तो स्विमिंग पूल, फूड और वेल मेंटेन रूम यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें देख करके मेरे को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप गोवा आ रहे हैं और बीच साइड की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर देखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा इस प्रॉपर्टी में रहा। तो प्रॉपर्टी का इसका रूम कैसा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेड है यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा बेड है और इस रूम के अंदर आपको सोफे और ये भी बैठने के लिए ईजिली मिल जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकोनी के अंदर भी आप बैठ करके पूल का व्यू ले सकते हो। काफ़ी अच्छा रूम है और हर तरीके से मैंने देखा कि रूम कंफर्टेबल है और रूम के अंदर ये आप देख सकते हो ड्रॉर्स भी बनाई गई हैं रूम के अंदर। यहाँ पर ये कवर्ड है और काफ़ी अच्छा कवर्ड ये वुडन का बनाया गया है और रूम के अंदर फ्रिज भी है, अगर आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ लाना है इसके अंदर रखना है तो वो भी आप ला करके रख सकते हो। एक बालकोनी इधर से है जिसमें आपका पूल का व्यू ले सकते हो और एक बालकोनी रूम की इस साइड भी है और ये भी दिखा देता हूँ आपको, एक ये बालकोनी है। तो इस रूम के अंदर दो बालकोनी है जहाँ से आप व्यू ले सकते हो। राइट हैंड वाली जो बालकोनी है उसके अंदर आप पूल का व्यू ले सकते हो, यहाँ से भी आप पूल को देख सकते हो, वो मोस्टली पूल के सामने ही है। सेकंड बालकोनी है मैंने आपको देखी और LCD भी लगी हुई है, आप जो है कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, TV भी है। ओवरऑल रूम जो है बहुत ही अच्छा है इस प्राइस में, 2200 में आपको बहुत ही अच्छा रूम ये मिल रहा है। अब मैं इसका थोड़ा वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ कि वॉशरूम किस तरीके का है। काफ़ी अच्छा वॉशरूम है और हॉट एंड कोल्ड दोनों ही वाटर इसमें अवेलेबल है। तो मोस्टली मैं जब किसी भी बीचेस एरिया में जाता हूँ या जैसे पहले भी मैं थाईलैंड ट्रिप पे था और अभी ये गोवा ट्रिप है और बहुत सारी ऐसी बीचेस एरियाज ट्रिप मैंने की हैं, तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा होटल है या मैं रिजॉर्ट जिसमें अभी मैं स्टे कर रहा हूँ वो बीच के नियर हो। उसमें क्या होता है कि आप अगर 3 डेज या 4 डेज या जितने भी टाइम स्टे करते हैं तो आप बीच के लिए कोई भी कन्वेंस हायर करते हैं, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ कन्वेंस करके बीच के पे जाना होता है और वो कन्वेंस आपका बच जाता है कि अगर आप बीच साइड पे ही कोई प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं। तो मैं मोस्टली जाता कोई भी रिजॉर्ट या होटल या अकोमोडेशन लेता हूँ तो मोस्टली बीच साइड पे लेता हूँ, जिससे कि मेरा ये डेली का जो कन्वेंस होता है वो बच जाता है। तो आपको मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कोई भी होटल से प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं ऑन बीच साइड पे तो आप उसे बीच के पास ही करें, जिससे कि आपका बीच का आने जाने का कन्वेंस बच जाए। अभी जो एक प्रॉपर्टी है मेरी ये सनसेट बीच रिजॉर्ट है जो बीच से 400 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये कैंडलम बीच है, यहाँ पर मैंने ये बुक कराया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस प्रॉपर्टी का रहा। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाना मैंने भी ब्रेकफास्ट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर गोवा आएँ तो सनसेट बीच रिजॉर्ट में स्टे करें, ये एक रीज़नेबल प्राइस पर भी है, 2200 के बीच में आपको मिल जाता है विद ब्रेकफास्ट के साथ। तो गाइस इस समय मैं निकल रहा हूँ अपने साइट सीन के लिए कैलंगुट बागा और मैं अपने सारे साइट सीन आज इस डे के अंदर कवर करूँगा। वहाँ पे अगोड़ा फोर्ट भी है और टोपरा फोर्ट भी है जो आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ और रेन हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि इस समय थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है साइट सीन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि रेन
हर 2 किलोमीटर या हर 3 किलोमीटर पे होती है, कहीं पर नहीं होती, इसलिए मैं साइकिलिंग के लिए निकल। तो गाइस, गोवा आप किस वेदर में आए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आप केवल जुलाई को छोड़ कर के किसी भी वेदर में आ सकते हैं, सेम ही वेदर रहता है। जुलाई के अंदर ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, तो आपका जो प्रोग्राम है या आपके घूमने फिरने की जो प्लानिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और जुलाई को छोड़ के आप किसी भी मंथ में गोवा आ सकते हैं। और वेदर यहाँ पे सर्दी गर्मी बरसात ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम ही वेदर रहता है। और बात करें यहाँ की लैंग्वेज की, तो यहाँ पर चलती है कोंकणी लैंग्वेज, जो यहाँ की लोकल है, लेकिन सभी लोग हिंदी भी जानते हैं, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ, और जो पर्सनली मैंने चीज़ें विजिट की हैं तो आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। और भी मैंने वीडियोस गोवा के ऊपर बनाई हैं जिनमें पर्सनली मैंने विजिट किया है, तो बने रहिए मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।